Nachiketa. 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 Oh my God. Outstanding Nachiketa. Khul gend va na maro, na maro. You're a complete singer. मैंने कुछ थिएटर्स में काम किया है. It is called as संगीत नाटक. We would be very curious to see कि आप मतलब भेष बदल के नाट्य संगीत रूप में कैसे आप मतलब पेश आते हो. क्या बात है यार. Wow. Unbelievable. ये अलग लेवल का टैलेंट लाए हैं भाई ये टाइम. But मैं सोच रहा था यार ऐसी तो कोई कंटेस्टेंट नहीं है हमारी. कौन है आप? और अचानक से माइंड बॉगलिंग. जैसे आपने बोला था कि एक कोई रूप में हम आपको देखना पसंद करेंगे तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट और ये इतने बड़े मंच पे मैं उन लेजेंड को ट्रिब्यूट दे पाऊँ वो मतलब है हमारे बाल गंधर्व जी जिनका नाम है नारायण श्रीपाद राजहंस. तो बाल गंधर्व जी जो है बाल गंधर्व उनको मिली हुई पदवी है. बहुत पुराने जमाने में स्त्रियों को काम करने की इजाजत नहीं थी नाटक में या फिर कोई शोज में वगैरह. तो तब पुरुष जो होते थे वो स्त्री के वेश में आके दे यूज टू प्ले स्त्री की भूमिका. बाल गंधर्व जी मतलब नारायण श्रीपाद राजहंस जी ये जो थे इन्होंने ये भूमिका साकारी और ये इतने सुंदर दिखते थे इतने सुंदर गाते थे कि बाकी औरतों को भी उनसे जलन होने लगी उनके सौंदर्य से. कहा जाता था कि एक जगह पे बाल गंधर्व जी स्त्री के वेश में गए थे हल्दी कुंकू जो बोलते हैं हल्दी कुंकू सेरेमनी होता है एक तो वो हल्दी कुंकू में गए थे और कोई स्त्री लोग उनको पहचान नहीं पाए कि ये सच में स्त्री है ऐसा लगा उनको. तो ही इज अ बिग लेजेंड एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं उनको इतने बड़े मंच पे ट्रिब्यूट दे पा रहा हूँ और इतने आपके जैसे दिग्गज के सामने मैं ये कर पा रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये करने का मौका मिला. क्या बात है यार. तो नचिकेत आप अभी कुछ करने वाले हैं? मैं अभी आपके सामने उन्हीं का एक बहुत अजरामर ऐसे एक जो टिपिकल नाट्य संगीत बोला जाता है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ परफॉर्म करता हूँ. तो कभी एक परफॉर्मेंस ऐसी हो जाती है ना जैसा लगता है कि आप जिस जगह पे हो वो प्योर हो गई है उस परफॉर्मेंस की वजह से. पहले तो आपकी ब्यूटी और ग्रेस के बारे में क्या कहा जाए. आई डोंट नो हाउ टू से इट. सी एक होता है कि औरत के कपड़े पहन लेना वेश धारण कर लेना. दूसरा होता है कि हर अदा में हर इमोशन में एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करना कि औरत की सारी खूबियाँ वो सारी बातें आपके गायकी में आपकी अदाकारी में आपके हाथों के मूवमेंट्स में आपके आंखों के मूवमेंट्स में हर चीज को आपने बखूबी निभाया. इट वॉज इनक्रेडिबल टू वॉच. इनक्रेडिबल. थैंक यू सो मच. गायकी जो आपने आज आई डोंट इवन नो व्हाट टू से मतलब जो आपने अब तक हमें दिखाया ऐसा लग रहा है कि वो तो झांकी है अब बहुत कुछ बाकी है ऐसा लग रहा था. थैंक यू सर. थैंक यू सर. हाय
हेलो सर, हेलो मैम, हेलो सर। हाय हाय। हेलो। एक मिनट, आपका पौधा बढ़ गया है क्या? वो मैं रोज पानी डालता हूँ ना, इसलिए थोड़ा बढ़ गया। रो ना। यस। बेटा तुमने मुबारकबाद दी, इनकी शादी हो गई है। Congratulations, ma'am. ये तुमने एकदम college student की तरह बोला, congratulations, ma'am. जैसे 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 आपने अपना पौधा बढ़ा लिया, वैसे हमने अपना परिवार बढ़ा लिया। निहाल, मैं तो तुमसे वैसे भी गाना गवाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे तुम्हारी टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तुम्हारे ही जोन में तुम्हारी टक्कर का एक अलग रिप्राइज वर्जन और एक अलग किस्म का सिंगर हमें मिल चुका है, जो सीधे गाला प्रीमियर राउंड में जा चुका है, और उसका नाम है पवनदीप। तुम्हें बहुत नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरी बहुत उम्मीदें हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट सर। निहाल, वी आर सो एक्साइटेड टू हियर यू। आप स्केल ले लीजिए और yes. गाना शुरू कीजिए। लेट्स गो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। 3 2 1 सम रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है, धुआं छटाक ला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। सफर मेरा नजर मिला जरा, नदियों से झगड़ रही है नौ मेरी, अब मसालों से बढ़ रही है नौ मेरी, ना हो निशा रहे ना रहे ये कारवां, रहे ना रहे उजाल में पी गया, रोशन हुआ जी गया, क्यों से दे रहे निहाल, आई थिंक आप एक बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। अगर आप सोच ले, आप ठान ले कि मुझे ये करना है, तो आप कर सकते हैं। यस। बट आप में एक कैजुअल नेचर है, एक इजी गोइंग वाइब है आपका। यस। जो बहुत अच्छी बात है अगर वो गाने में करेक्टली ट्रांसलेट हो। माई प्रॉब्लम इज कि आपका परफॉर्मेंस इजी गोइंग तो था, अब बाकी क्या क्या था वो इज अ लिटिल, सो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड रिजल्ट तो बाद में देंगे। यस। बट गुड लक टू यू मैन। थैंक यू सर। तुम अपनी फर्स्ट नोट, हर बार का पहला नोट तुम्हारा अगर करेक्ट पिच में आ गया ना, तो तुम करेक्ट चले जाओगे। पहली नोट जहां जाएगी वहां पर वो जो कनेक्ट बनना चाहिए वो बनेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द सुर। एंड गेट दैट परफेक्शन इन योर वॉइस एंड यू सी वेयर यू विल गो, बिकॉज यू हैव अ माइंड ब्लोइंग टोनल क्वालिटी। थैंक यू सर। लेकिन एवरी टाइम यू कैनॉट टेक इट सो लाइटली, लाइक विशाल सेड, आपने अभी हमको ऐसे पोजिशन में, दिस इज द काइंड ऑफ कंटेस्टेंट के जिसके बारे में घंटों डिस्कशन होती है, घंटों लिटरली। जब हम इसके बारे में, जब when we sit to deliberate ना, जिसको deliberation कहते हैं, जो टीवी पे आप देखते होंगे कभी कभी की, मतलब उसके खाली शॉर्ट्स, वो कभी कभी चार चार पांच पांच छह छह घंटे भी चलता है, एंड उसमें से आधा टाइम ऐसे contestants में निकलता है कि यार he can do it but he didn't do it today। yes। कितनी बार ये लगता है कि उस तीन मिनट के परफॉर्मेंस में वो सुर, वो
परफेक्शन नहीं लगा तो क्या उसे आउट कर देना चाहिए? और तुमने हमको प्रॉब्लम में डाल दिया कि तुम में सुपरस्टार वाली क्वालिटी भी है और कुछ चीजें तुम सुन, आई एम गोना इंप्रूव माय सेल्फ विद दिस. यस, ओके, गुड लक ब्रदर. थैंक यू सर. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.